मुंब्रा में आज थाने अध्यक्ष पद मिलने के बाद सुहास देसाई का सम्मान सत्कार कलवा मुंब्रा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान ने किया है। एनसीपी में बड़ी उलटफेर होने के बाद सुहास देसाई को थाने अध्यक्ष का पद दिया गया और अब सुहास देसाई मुंब्रा के नगर सेवक कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आज मुंब्रा पहुंचे थे, जहां एनसीपी कार्यालय पर उनका शमीम खान ने सम्मान सत्कार किया। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता भी उनका सम्मान सत्कार करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान सुहास देसाई ने क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। नहीं, शमीम भाई से सत्कार मतलब शमीम भाई हमारे बड़े भाई है, बहुत हमारी जूनी पुरानी पहचान है। शमीम भाई भी चाहते थे कि सुहास भाई ये पद पे आप बैठो, पद को न्याय दे दो। आवार साहब ने, हमारे जो नेता है डॉक्टर जीतन आवार साहब ने, पवार साहब ने, जयंत पाटिल साहब ने, सब ने तय किया और मुझे बोला ये जिम्मेदारी आप सब मेरे कुटुंब मेरे फैमिली को लेके मुझे सम्माननीय। इस वजह से मैं अभी निकला हूँ, एक एक हमारे ब्लॉक अध्यक्ष है सबको मिलते मिलते आगे जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से ये पूरे राजनीति में उलट फेर हुई और थाने जिला में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है और यहाँ के जो विधायक है उनके खिलाफ, आप लोग भी कहीं ना कहीं अभी भी जितेंद्र भाट के साथ में, तो इसको लेकर क्या बताना चाहेंगे जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ? एक मेरी बात पूछेंगे तो लास्ट 35-40 साल से मेरी उम्र अभी 56 है, लेकिन आवार साहब का मेरा दोस्ती है, दोस्ती का एक अलग रिलेशन है। मुझे मालूम नहीं था कि पॉलिटिक्स में जाके आवार साहब भी इतने बड़े होंगे या मैं भी कभी जिंदगी में नगर छोड़ूंगा या ये पद पे बैठूंगा। वो बरकरार रखे, हमने एक मेक का विश्वास संपादित किया है। आवार साहब के ऊपर मेरा एक विश्वास है, पवार साहब के ऊपर मेरा एक विश्वास है और ये 30-35 साल का विश्वास का इतना लंबा एजेंडा है कि आखिरी दम तक हम कहीं आखिर साहब को छोड़ के नहीं जाएंगे। भले साहब पॉलिटिक्स में रहे ना रहे, हमारी मदद हमारे रास्ते यही है। जिस तरह से पार्टी के दो भाग हुए उसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? पार्टी के कोई दो भाग हुए नहीं है, पार्टी ये पवार साहब की है, ये जयंत पाटिल साहब की है और उनके कमर संदेह कमर तक आमदार जितेंद्र आवार साहब की पार्टी है और वो आवार साहब के साथ में हम खंदे को खंदा मिला के मैं है यहाँ पे शमीम भाई, हमारे बबलू भाई, शानू भाई, आज हमारी मरिया बहन का बर्थडे भी है, लेकिन हम इतिफाक से कहीं बाहर चली गई है, उनको मिलने का भी एक दौरा था लेकिन वो मिल नहीं पाई। हमारे भाई साहब है, ये सब अच्छे यहाँ के लोग हैं जो हमारे साथ में, हमारी बहनें यहाँ पे खड़ी है, ये सब हमारे बाकी यहाँ के नगर सेवक है, सभी लोग है, इतनी मजबूत पार्टी है। आप कैसे बोलते हो दो, कोई दो हिस्से नहीं, एक ही पार्ट है, जो पार्ट है जितेंद्र आवार जितेंद्र आवार जितेंद्र आवार। एक तरफ जो है शिंदे और बीजेपी सरकार को समर्थन दे दिया गया और एक पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं अलग है, इसलिए हमने कहा दो पार्ट। देखो यार कैसा है, राह पे चलते चलते कभी कभी किसी को लगता है कि मेरे को मुड़ने का, तो मुड़ सकते, अपन उसको रुका तो नहीं सकते, भाई रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन हम इथिक्स वाले लोग हैं, हम लोग स्पीकर से जवाब देंगे। हम आपके पक्ष को लेके एक सवाल है सर, आपके साथ ही जो थाना में कंटिन्यू न्यूज चल रही है उस समय नजीमुल्ला साहब ने कहा कि आपको जो पद दिया गया वो पद की कोई मान्यता ही नहीं, अच्छा। ये पूरा हक अजीत दादा पवार के पास और अजीत दादा पवार ने बाकायदा जो आपकी पार्टी में पहले पुराने आनंद प्रांजल साहब अध्यक्ष थे उन्हीं को रखा है, तो इसके बारे में आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो बाकायदा आवार साहब ने बुला के दिया है कि तेरे को ये पद अध्यक्ष पद स्वीकारने का, ये आज से पदभार तुझे देता हूँ। मुझे यहाँ से बम्बई लेके गए, पवार साहब से बात करवाई और मेरे को वहाँ से हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल साहब का मेरे को बाकायदा लेटर दिया हुआ है, बोलने के लिए ठीक है भाई कुछ भी है, लेकिन उन्होंने मेरे को दिया है।